गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब एक्चुअली दोपहर होने वाले है बट दिन भर ब्लॉग नहीं बनाया हमने, थोड़ा सा रेस्ट किया, सुना सुना भी था घर, तो ऐसे ही घर पे हैं हम लोग। अभी मम्मी भी नहीं है घर पे, वो भी भैया के घर पे गई हुई है, जेरी में और रेवन बताई है। मैं तो सो रहा था अब तक, अभी जगा हूँ। घर एकदम अजीब सा सुना सुना लग रहा है, देख सकते हैं पूरा सुना सुना हो चुका है। और सोलर प्लेट को मैंने इसके ऊपर में लगा दिया है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हुआ सोलर खरीदा, वरना फिर से पछतावा होता। रात भर हम लोगों ने फ़ैन लाइटें चलाया तो इन्वेटर का जो बैटरी बिल्कुल डाउन है, तो ये सोलर से जितना भी चार्ज होगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। धूप भी ठीक ठाक नहीं है ना, धूप अगर अच्छा होता तो बैटरी फुल हो जाता, लेकिन अभी धूप भी नहीं है। और मुझे भूख लग रहा है, तो हमारे कुकुम्बर यहाँ पे देख सकते हैं, कुकुम्बर का प्लांट एक छोटा वाला, लेकिन यहाँ पे मैच्योर वाला है। मम्मी ने खेत किया है, पूरा जंगल जंगल दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ से हम अभी कुकुम्बर तोड़ लेते हैं, कुकुम्बर खाऊँगा मैं कुकुम्बर। अरे बाप रे, फिनिश हो गया यार, ये चूहों ने फिनिश कर दिया एक कुकुम्बर। चलो और ढूंढ लेते हैं, शायद और भी मिलेंगे। कुकुम्बर मिल जाए यार, चलो मेरा नसीब में कुकुम्बर है कि नहीं है। ये तो पक गया, ये एक पक गया यार, ये देखिए एक छोटा वाला पक चुका है। और गिर गया, वो ठीक ठाक है। अभी और ढूंढ लेते हैं, शायद और भी मिल जाए मुझे, कच्चा वाला मिलने से ठीक था। हाँ छोटा सा चुटकू वाला है, इसको भी तोड़ लेता हूँ, मिस्टर चोटू को, चुटकू वाला को। और देखते हैं और मिल जाए मुझे, तीन चपाक दमदम मुझे मिल जाए कम से कम, चार पांच। अरे मिल गया चीन तपाक दमदम, मिल गया मिल गया, यहाँ पे बढ़िया साइज वाला मिल गया चीन तपाक दमदम। अरे तीन टू मिल गया चीन तपाक दमदम, और एक मिलना बाकी है चीन तपाक दमदम। चार लोग होते हैं टोटल, चलो एक ढूंढता हूँ। और इस साइड में भी एक है साग, चलो यहाँ पे फ्लावर तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन पता नहीं खीरा होगा कि नहीं होगा, एकदम छोटे छोटे वाले हैं यार। चिन तपाक दमदम नहीं मिल रहा मुझे, फिर भी ढूंढने का कोशिश कर लेते हैं। तीन तो काफ़ी है वैसे, काफ़ी है वैसे, टेक्निकली बोला जाए तो मुझे चार मिल चुके हैं। एक तो ये वाला ख़राब है, पक के पूरा फिनिश हो चुका है ये वाला, सिर्फ तीन ही मिले हैं मुझे कुकुम्बर। यहाँ पे एक तो कतल रखा था, ये भी पक गया, लेकिन अंदर में ख़राब होगा लग रहा है मुझे। तो अमरूद तोड़ लेता हूँ, वो भी लाल लाल वाले, सिंदूर गुयम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अंदर में सिंदूर जैसा लाल होता है ना, तो तोड़ लेते हैं। ये देखिए, वाह दिस इज सिंदूर गुयम, ये देखिए, ये देखने में ऐसा लग रहा है ना। अब भी खा के दिखा देता हूँ आप लोग को अंदर में इसका कलर। बहुत ही मीठा है, एकदम स्वीट। बढ़िया। और हमारे घर में ये जो जितना भी वाल लगा है उसमें पूरा सब्जी लग चुका है अभी। वो वहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, उसमें भी सब्जी है। ये देखिए ऐसा वाला सब्जी है, दिस इज स्नैक गॉट गाइस, बहुत ही टेस्टी होता है इसको बॉयल करके खाने में, तो टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो अमरूद और भी दिख रहे हैं मुझे, अमरूद तोड़ लेता हूँ और उसका फ्रूट सलाद बना के खाऊंगा मैं, भूख लग रहा है ना। तब तक इसको फिनिश कर देता हूँ एकदम, ये क्या बोलता है सिंदूर गुयम। काफी बड़ा साइज का वाला है, ये देखिए बढ़िया है ना, एकदम मस्त। और पका भी एकदम मैच्योर हो चुका है, ऐसा वाला पकने से बहुत टेस्टी होता है। देखिए अभी जो है जो भी फ्रूट तो रहा हूँ ना उसको खाएंगे। रेवन बेटा भी सो रहा है नहाने के बाद, तो मैं और जेरी ही हैं। कुछ फ्रूट वगैरह खाने से अच्छा लगता है। पहले तो हमारे घर पे बहुत सारा चीज़ होता था खाने के लिए, लेकिन ज़्यादा बारिश के कारण अभी खेतों में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है साग सब्जियाँ ग्रीन वेजिटेबल, पहले तो फ्रूट वगैरह भी पूरा अवेलेबल होते थे। चलो आज अमरूद और कुकुम्बर खा लेते हैं। मम्मी ने किया है ये खेत, जो बारिश नहीं होने से ना बहुत ज्यादा लगना था, बारिश में सब बर्बाद हो जाते हैं। दूसरे जगहों पे तो बारिश चाहिए होता है खेत, जो भी खेत करने के लिए, यहाँ पे धूप चाहिए होता है, क्योंकि पानी ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर ना, तो बारिश का पानी का जरूरत नहीं होता है अरुणाचल में उतना, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश ये में होती है। भीड़
ऐसे गोल गोल कटिंग करके खाएंगे। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली नमक सब रेडी रखा हूँ मैं। तो अभी कटिंग भी हो चुका है, यहाँ पे और भी है, कुकुम्बर भी है और अमरूद भी है, जितना हो सके खाएंगे। ये फिनिश करने के बाद फिर से खाएंगे। जेरी खाओ, खा लो, ले लो। रेवन बेटा को झुलाते हुए दोनों ही घर पे। हाँ, नमक दिया, एक्स्ट्रा भी है नमक। कैसा है लोकल वाला? बढ़िया है, पूरा खुरखुर की आवाज आ रहा है। चलो अभी हम भी खा लेते हैं। बोलियो यार, साथ में एक ग्रीन चिल्ली भी चबाया जाए। ग्रीन चिल्ली का अभी शाम हो चुकी है एंड अभी जो है तेजू जाने का वक्त आ चुका है। एक्चुअली दिन भर कुछ नहीं किया, घर पे ही था मैं, और मोनू दोस्त ने कॉल किया है कि हमें तेजू जाना है आज शाम को, तो वहाँ पे पार्टी शार्टी होगा शायद, मेरे लिए भी थोड़ा बर्थडे स्पेशल होगा क्योंकि बर्थडे पार्टी भी नहीं मनाया मैंने, और अभी जस्ट जाने के लिए रेडी हुआ ही था मैं। और यहाँ पे देखो जेरी ने लाइव कर अपना चैनल पे लाइव ओपन किया, लेकिन उसी बीच में रेयन पूरा चिल्लाने लगा, अरे माथे पे एक मच्छर है। तो उस टाइम पे जो है रेयन चिल्लाने लगा, इसलिए उसको ब्रीज फीडिंग करना पड़ रहा है और लाइफ मुझे संभालना पड़ रहा है। ये देखो, हेलो गाइस, लाइफ में कौन कौन आया था कल, किसका इसका कमेंट था आप लोग ये देख लो, कल देख लेना कल के ब्लॉग में। ये देखिए आप लोग का कमेंट खुद देख लेना, ठीक है, किसने किसने आज लाइफ में ज्वाइन हुआ उन लोग का कमेंट आज देखने को मिल जाएगा। हेलो गाइस, हेलो सुजा मॉक, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू पोनुंग, हैप्पी बर्थडे ब्रो, थैंक यू आयुष्मान, हेलो रूपम काका बिग फैन, थैंक यू दीपिका दे, हाय हाय सबको हाय, आप लोग कमेंट देख लेना कल के ब्लॉग में, ठीक है। हाय हाय, हेलो हेलो, लाइव ब्लॉगिंग हैपनिंग, यहाँ पे लाइव ब्लॉगिंग चल रहा है। तो अभी मैं निकलूँगा एक्चुअली तेजू, तो अभी जेरी लाइव में आएगी, रेवन बेटा को भी थोड़ा अभी शांति हो चुका है रेवन बेटा, ठीक है। बाय बाय गाइस, अभी जेरी से बात कर लो, ले लो फ़ोन, हाँ इधर से, हाँ बाय बाय, अभी मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाऊँगा। पूरा बाइक गंदा हो चुका है यार, देखो ना पूरा गंदा है, थोड़ा सा मैं ऑयलिंग कर लेता हूँ चेन पे। अभी आधे रास्ते में पहुँच चुका हूँ, बारिश भी शुरू हो चुकी है यार, बहुत दिक्कत होगा, तो बीतुल के लिए वेट कर रहा हूँ। इधर देखो पूरा जंगल जंगल है ना, उसी साइड से बीतुल आ जाएगा। एक्चुअली ये उतना जंगल है नहीं है, लेकिन कैमरे पे बहुत ही ज़्यादा जंगल, बड़ा जंगल लगता है। एक्चुअली ये खेत वगैरह है, तो इधर से आएगा बितुल और दोनों साथ में जाएंगे। बाप रे, बारिश ज़्यादा आने से तो मुश्किल होगा रे, जल्दी जाना पड़ेगा आधे घंटे के अंदर पे। अभी जो है 5:35 हुए हैं, 6 तक हम लोग जो है पहुंच जाएंगे तेजू, बहुत ही सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है। पहुंच गया हमारा बितुल, हुआ आ गया। रेनकोट भी ले लिया क्या? ना, ये जैकेट है, ये जैकेट है। चलो चलो, ज़्यादा बारिश आने से तो दिक्कत होगा, जाना पड़ेगा। मेरा कैप्टन अमेरिका रेडी है गाइस, कैप्टन अमेरिका है और डेडपूल है, दोनों मिलके मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ये देखो। हम लोग जो है तेजू पहुंच चुके हैं, मैं और बितुल, और यहाँ पे आके पता चलता है कि मोनू दोस्त लोग तेजू में है ही नहीं, वो लोग नामसाई में है अभी भी, तो वो लोग थोड़ी देर बाद आएंगे बोला है। ये भी पहुंच गया, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा देर, चलो यहाँ पे रुकते हैं मोनू लोगों का, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे ना मिलामसो है, ना पोमपोम है, ना मोनू है, कोई भी नहीं है। वो लोग हम लोग को इतना जल्दी बुला के वही लोग पहुँचा नहीं है, कोई नमसा से आ रहा है, कोई मीदो से आ रहा है। तो तब तक जो है हमारा ड्रेस कोड आज ब्लैक पैंट होने के लिए बोला है, लेकिन बितुल ने पहना नहीं, इसलिए हम जाएंगे एक ब्लैक पैंट लेने के लिए मार्केट में। ब्लैक नहीं पहना ना मैंने, तो कैसे कैसे ढूंढ के गंदा वाला पहन के आ गया। चलो जाते हैं, आ चुके हैं अभी दुकान में। तो अभी बितुल जो है अंदर जाकर पूरा ट्रायल रूम पे ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे टांग के रखे है ना, ये एकदम कंफर्टेबल होगा यार गर्मी में पहनने के लिए, पता नहीं ये कैसा होगा पहनने से, लेकिन देखने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन ये एकदम बाइस क्या बोलेगा यार, होम क्या सेक्सुअल बोलते हैं यार, जो लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं यार, तो लड़का भी पहन सकता है, लड़की भी पहन सकते हैं, लेकिन मजा आएगा ये पहनने में। वाह, जगह में पहन लिया, आज ब्लैक ड्रेस कोड है ना, अरे दोनों तो लगभग सेम सेम है, ब्लैक मुनु भाई दीवान की है ना, ब्लैक ब्लैक पहन से मेरे पास वो गर्म है, नहीं सुखा है। अच्छा नहीं सुखा है, मेरे भी तो सब गंदे थे, लेकिन जैसे तैसे धूम के आया। चलो अभी कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, भूख लग रहा है, कुछ खाना पड़ेगा। तो अभी आ चुके हैं हम अपना फेवरेट वाली जगह पे, जहाँ पे मैं अपना फेवरेट वाला दही खाता हूँ, और इसको भी खिलाने लेके आया हूँ आज। तो आज इसको मैं 99 वाला थाली खिला रहा हूँ, 99 वाला थाली। वाह बढ़िया है, कैसा लगा था ये? बढ़िया बढ़िया है,
ब्लैक पेन पहन के आया हम गिरने से फिनिश चिंत पागदम दम। यहाँ पे आ चुका है हमारा थाली, देख सकते हैं 99 रुपीस वाला थाली। इसमें चिकन भी आएगा, दाल आएगा, पापड़, चटनी और सॉरी अचार, प्याज, एक पीस नींबू एंड देन चावल। चलो इतना सस्ता है, यकीन नहीं हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको मिलाना चाहेंगे दो तीन नमूना को। आज नया ब्लॉगर इधर में कोई ब्लॉग बना रहे, नया ब्लॉगर। ये मेरा ब्लॉगर, ये मेरा टीचर है, हमको ब्लॉग बनाने सिखा रहा है और हम सीख रहे हैं। होटल से निकलने के बाद हम लोग जो है सीधा आए हैं अभी हमारे सिस्टर के घर पे। और यहाँ पे आते कौन मिला, देखो खेरमू और लकी, इतना क्यूट गाइस। देखो जब मैं रेवन बेता का डिलीवरी था उस टाइम पे आया था, ये बहुत छोटा था, अभी देखो इतना बड़ा हो गया। वाओ लकी, और ये खेरमू जलस तो नहीं हो रहा है ना, जलस नहीं हो रहा है ना, ये देखो ये पूरा गोदी में। लकी खेरमू, वाह क्या खेल रहा है, ऊपर चढ़ेगा, वाओ वेरी गुड। चलो लकी स्टैंड अप, लकी स्टैंड अप, खड़ा हो तो लकी। देखो यार इतना क्यूट यार, खड़ा होता है। ओए खेरमू तो आजकल बहुत शांत हो गया ना, पहले जैसे बदमाशी नहीं करता है ना। और यहाँ पे देखो सिस्टर लोग भी बैठा हुआ है, और यहाँ पे चिकन, और ये लोग को देखो ना, ये पम, ए तुम कब आया, हाँ नो बातचीत, कब आया, चिकन फिनिश कर रहे है, चिकन तो इसको फिनिश करना है ना, इसका जगह में क्यों ये चिकन। चलो यहाँ पे फ्रूट्स हमारे लिए, हाँ अच्छा चलो तेरा फ्रूट्स खा लेते हैं उसके बाद जाएंगे। फाइनली गाइस 2000 सालों के बाद अभी मिलन हो चुका है। हम लोग देखो 5 बजे निकले थे, ये लोग पहुंचे 7 बजे, लेकिन फिर अपना दोस्त पम लोग को इतना देर रुक रहे 3 घंटा जैसा हम रुका, पागला हो गया हम दोनों के लिए रुके। हम भी रुकते पगला होने वाला है। वो मतलब पम लोग को एक्चुअली डिनर इनविटेशन मिला था, नहीं जाने से खराब पाएगा तो सिस्टर लोग, इसलिए वो लोग का उधर में चला गया। सास बात बोलने में क्या दिक्कत है, वो बोल रहे 5 मिनट बोला था 1 घंटा, सास बात बोलने में क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा बहुत गाली खा लेगा उसमें क्या है। हम लोग देखो पहले आया होटल में खाना खाया, फिर मिलांसो का होटल में, उसके बाद फिर वो गौरव भैया का रूम पे, फिर ट्विंस का घर में, देखो हम लोग कहाँ घूमना भर रहे हैं। वो क्या कोलकाता में कैसा लगा, कोलकाता से गिफ्ट लाया हूँ। वाओ गिफ्ट, ओह माय गॉड, आज ये पहन के जाना पड़ेगा। ओह ये पहनना है, वाह फॉर यू, ओह माय गॉड थैंक यू मेरे दोस्त, वाह चलो पहनना है अभी, चलो ले ऑन द लाइव, मुझे कैमरा में ही पहन रहा हूं। अपना बटन दिखाते हैं अपना हेक्सी वाला, क्योंकि एक्चुअली जिम छोड़ दिया तो मेरा पूरा सूखा मच्छी हो गया, सिक्स पैक सब गायब हो गया, और मेरा टैटू जब मैं पापा बनने वाला था उस टाइम पे डैडी वाला, तो अभी अपना मोनू दोस्त का लाया हुआ, तो 300 रुपये का है बोला है, ये साइज ठीक है ना, हाँ ठीक है एक्सेल, तो बोल रहा था अपना दोस्त के ये 300 का है, लेकिन अपना दोस्त का लाया हुआ जो कीमती सामान है वो 3 करोड़ का बराबर होता है। चलो अभी लगा लेते हैं, आज हम लोग सब लोग जो है WWE का रेफरी बन के हम लोग पार्टी करेंगे। कौन करेगा WWE, हम लोग तो रेफरी पूरा देखो एकदम फिट, मतलब परफेक्ट, पता है ना, मैं जिसको एक बार छू लेता हूँ, ये मेरा दोस्त है गाइस, ये मेरा दोस्त है ना, कॉल कर भी अंगला। तो गाइस यहाँ पे जो है नया दोस्त लोग भी मिला है, और यहाँ पे ये ड्रेस लगाने के बाद तो मेरे को और भी सुने लड़की लोग हेड को वो मैं कर रहा हूँ, और ये लोग सारी सुधा है, हम लोग तो और भी सारी सुधा है यार, हम लोग को रिवील करने मत दो ना, हाँ यार, और हम तो 25 साल के हुए, तो दुनिया वाले लोग जा सकता, तुम लोग क्यों नहीं जाते, ये है मेरा सच्चा दोस्त, हम लोग क्योंकि हम लोग शादी करेगा ना गाइस। अभी हम सपने भी लगा लिया है, अभी 2 लोग को और आना बाकी है, पम को और मिलांसो को। एक्चुअली मिलांसो का कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसका कुक का, अभी मैंने कॉल किया था, हॉस्पिटल गया,
मैंने कॉल किया था, वो बोला उसका कुक्का कोई आदमी थोक के चला गया, थोक के चला गया, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल में है, वो लोग थोड़ा बाद में आएंगे। तो उसके बाद सब लोग देखो सेम सेम ड्रेस, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, गुड बाय गोज टू कोलकाता, बैड बॉय गोज टू टीएस कंट्री। तो अभी एक्चुअली हम लोग जो है फ्री हो चुके हैं, बहुत सारा झमेला हो चुका था जो कि मैंने नहीं दिखाया। तो अभी जो है हम लोग सीधा आए हैं अभी पार्टी मनाने के लिए, पूरा सब लोग एक ही ड्रेस में देखो, पूरा वेटर का ड्रेस लगाया हुआ है हम लोगों ने। तो अभी अंदर जाएंगे, चलो अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, ये लोगों से मिल रहे हैं, लेट्स गो। हम लोग पहले भी यहीं पे आए थे, हम लोग वॉशरूम पे आए हैं, देखो ना सब रेफरी लोग वॉशरूम में आए फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होने के लिए। इधर में देखो ये है पतला पतलू, मिस्टर पतलू रेफरी, इसको लेकिन कोटिया लगता है, लेकिन इतना कोटिया है नहीं, देखो ना मेरे से जस्ट कितना कितना इंच, हम 5'7" है, आप शायद 5 होता होगा, मेरा 5.3 साला खाली खत्म हो गया, 2-3 में पहुंचता है। अच्छा अच्छा, हां ये तो बहुत लंबू है, आ इतना इतना मोटा है, बहुत लंबू लग रहा है। गाइस यहां पे देखो क्या है, ट्विंग, अरे वाह सुंदर हो गया, तो देखो ना हैंडसम लग रहा है यार, ओए, और यहाँ मेरे आंखों पे देखो तो क्या है, क्या हो गया मेरे आंखों पे। अभी जो है अंदर में आ चुके हैं, और आते ही देखो कॉम्प्लीमेंट्री शॉट, पता नहीं क्या क्या शॉट है ब्लू कलर में, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, आज तक जिंदगी में ऐसा चीज़ कभी देखा नहीं है, और इतने गाने जोर जोर से बज रहे हैं, पूरा कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, मैं चुप मतलब साइलेंटली ये सब बना लिया था। तो अभी फिर से गिलास विलास ला दिया, देखो यार कैसा दामी दामी वाला गिलास, जिंदगी में कभी ना खाया ना पिया ऐसे गिलास में, और अभी शॉट मार रहे हैं हम लोग सभी दोस्त लोग एक ही साथ में, दोस्ती के नाम, ये फर्स्ट टाइम, इतना करवा था ऐसा लगा कि मैंने केरोसिन मुँह के अंदर में डाल लिया, उसका नींबू फटाफट से चबा दिया, उसके बाद जो है थोड़ा ठीक हो गया मैं। पम्पम का शक्ल देखो। क्या हालत हो गया हम सबका, फर्स्ट टाइम ना मेरा, मैं तो कभी ज़िंदगी में ऐसा शॉट नहीं लिया था, इसीलिए थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे फिर से आ चुका है जुमजिन, जिसमें अल्कोहल का क्वांटिटी बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग ये वाला पीते हैं। और उसके बाद फिर से इतना बड़ा वाला देखो बियर, ओ माय गॉड, मैंने तो पहली बार देखा, पूरा नल लगा हुआ इसमें, जैसा मूवी में देखता था, ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तक जो भी मतलब नहीं देखा था, आज पूरा देख रहा है। और आते ही देखो पम्पम ने तो स्टार्ट भी कर दिया डायरेक्ट वहीं से, मुंह से डायरेक्ट मुंह खोल के पूरा पी दिया, इसको देख के बाद में मोनू को भी जोश आ गया। अभी मोनू भी जाके पिएगा बोल रहे, तो मोनू ने भी पूरा यहाँ पे जाके पी दिया। तुम मिलो, अरे ये तीन चपाक दम दम। ये है नीला नीला बाथरूम के लिए, लाल तौलिया के लिए। ओरे बाबा, ओरे बाबा, ये तो की होय, ओए चिंतपाक दम दम, चिंतपाक दम दम, ओनली यहां में मिलेगा बोले तेजू में, हम सबका मकसद एक है, यस चिंतपाक दम दम, चिंतपाक दम दम, यो ओए होय होय होय, मधुपति मधुपति, आय हाय ओए हाय, पूरी बाबा ये तो की है, ओ ओ मोनू में हाथ वाला है, चिंतपाक दम दम, ओए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच TS काउंटर, TS कंट्री क्लब, कंट्री हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक यू, केक करो, केक 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 करो, केक करो, अभी भी आंसर है इसका केक में, बाहर में इसका आता है, हां हां,
हम सबका मकसद एक है, तीन चबाक दम दम, तीन चबाक दम दम। तो हम लोग एक महीने में दो बार तीन बार हम सभी लोग दोस्त लोग मिलजुल के ऐसे हम लोग पार्टी करते रहते हैं। तो अपना दोस्ती इतना बरकरार, इतना ताकत रखो कि कोई भी उंगली ना कर पाए, और उंगली कर भी पाए तो उसका उंगली एक उंगली कर रहा है उसका पांच उंगली तोड़ने के लिए। You are right. Am I right? Yes, am I right? Yes. You are right. Yes. Don't focus on hole, only focus in goal. Yes. Life बजा है, जिंदगी जीना है। चलो कैसे लग रहे हैं आप लोग को? बहुत बहुत मजा। अभी देखो, सबसे पहले मोनू ने डांस स्टार्ट कर दिया, उसने स्टार्ट किया, उसका थम्स अप भी डांस करने लग गए। बाद में रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था, ऐसे ही डांस किया हम लोगों ने। और उसके बाद जो है फिर से वेटर ने देखो क्या क्या लाया, ये क्या है, फ्रॉन्स है, और उसके बाद ये क्या बोला है, चिकन सॉसेज। मैंने तो पहली बार देखा है, एक्चुअली मूवी में देखा था, खाया नहीं चिकन सॉसेज, पता नहीं कैसा टेस्ट होता होगा, आज तो टेस्ट करके देखूँगा। यहाँ पर फ्रॉन्स है, तो फ्रॉन्स तो बहुत ही महंगा होता है, तो अभी चिकन सॉसेज जो है ट्राई किया मैंने, तो पहली बार ट्राई करके मेरे को अच्छा लगा, उतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा सा अजीब था बट अच्छा था। पोम ने भी ट्राई किया, और यहाँ पे देखो सब लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं घर आ चुका हूँ दोस्तों। एक्चुअली जो है हम लोगों ने बहुत देर तक पार्टी वगैरह कर लिया अपने दोस्तों के साथ, इतने दिनों के बाद मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही दोस्ती जो है बरकरार रखनी चाहिए। तो मेरा बर्थडे भी था एक्चुअली, मेरा बर्थडे जो है एक दिन पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरे दोस्तों ने जो है मेरे लिए स्पेशल रखा, तो इसलिए हम लोगों ने मनाया। अपने जितने भी हमारा फ्रेंड सर्कल है, अभी जितने भी आसपास में हैं, दूर वाले तो हालांकि आ नहीं सके, लेकिन जितने भी आसपास में हम लोगों ने मिलजुल के एकदम बढ़िया से पार्टी मनाया। दूर वाले जो है थोड़ा सा हम लोग बाद में मिलने से और अच्छे से मनाएंगे, क्या करें ना, दूर दूर में होने से भी मतलब थोड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सामने में हम लोग का जो अपना पुराना दोस्ती है उनको याद करते हुए हम लोगों ने खूब एंजॉय किया दोस्तों। तो अभी हम लोग अभी मैं घर आ चुका हूँ, सब लोग अपने अपने घर आ चुके हैं, और मैं यही ड्रेस लगाया हुआ हूँ जो अपना मोनू दोस्त कोलकाता से लेके आए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो देख के पसंद आया होगा, हमारी दोस्ती, हमारी यारी, हमारा जो एंजॉयमेंट है वो देख के। एंड आई होप कि आप लोग को बुरा भी नहीं लगा होगा, कुछ कुछ हम लोगों ने चीज़ें दिखाया जो कि नहीं दिखाना चाहिए। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। एक्चुअली जो है बहुत पहले से, आज से 2-3 साल पहले आप लोगों ने मुझे जो सपोर्ट दिखाया वो आज तक बरकरार है, आप लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया। तो अभी इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही एक्साइटिंग ब्लॉग्स हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए, और कोशिश करेंगे आप लोग को जो है एंटरटेन करने का। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ।